रायबरेली के ARM ऑफिस में जरूरी फाइलें जलाकर राख कर दी गई, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब ऑफिस खुला तो धुएं से भरा हुआ था और दफ्तर के दरवाजे और अलमारियां टूटी हुई थीं। साथ ही दफ्तर के फर्श पर फाइलें जल रही थीं और कुछ फाइलों को गायब कर दिया गया था। वहां मौजूद कर्मचारियों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। ये बहुत जरूरी दस्तावेज है और सर्विस बुकें भी हैं, फाइलें भी हैं, हमारे जो ऑफिस से है कंप्यूटर भी गायब हुआ है और कुछ फाइलें थी जांच वगैरह की वो भी गायब हुई है, सर्कुलर फाइलें गायब हुई हैं। इधर दरवाज़ा तोड़ के आए हैं सब, दरवाज़ा तोड़ के फिर अंदर में आए। तो ये सब महत्वपूर्ण फाइलें थी जी। तो यहाँ पे कोई देखते के लिए नहीं रहता है क्या? इधर तो कोई नहीं रहता है, तो जहाँ प्रमुख दस्तावेज रहते हैं वहाँ पे कोई तैनात नहीं है देखने के लिए? सूरज गेट पे चौकीदार है, गेट पे जो फोरमैन साहब गेट है उधर तो रहते हैं चौकीदार वगैरह। इस तरफ तो नाला है नगर पंचायत। लगभग कितनी फाइलें जलाई गई होंगी, क्या लग रहा है? अब इसकी काउंटिंग क्योंकि काफ़ी मामला जल गया है ना, तो उसमें सही नहीं था इसके कितना। यहाँ फिर 10 बजे से हम दफ्तर आए हैं। हाँ, तो सब ये धुआं से भरा हुआ था कमरा, देखे गए तो सारे कमरों के ताले टूटे, ताले क्या वो कुंडे तोड़ के सब फाइलें और सर्विस बुकें सब और उधर जांच फाइलें सब निकल गई। कैसे क्या लगता है क्या घटना हुई है, कागज जलाए गए? कुछ पता नहीं क्या किसने किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस दफ्तर में आग लगाई गई है वो रायबरेली से बस स्टॉप पर स्थित है। कुछ समय पहले MST घोटाले को लेकर चर्चा में बना कार्यालय अभी उससे उबर भी नहीं पाया था कि आज फिर एक बार चर्चा का केंद्र बन गया। क्यास यही लगाया जा रहा है कि इस मामले में अंदर का कोई कर्मचारी मिला है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो MST घोटाले के दस्तावेज भी कार्यालय में मौजूद थे, हो सकता है फाइल गायब करने या जलाकर सबूतों को मिटाने का षड्यंत्र रचा गया हो, जबकि कार्यालय में CCTV कैमरे भी लगे हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी और कारण क्या थे। रोडवेज कार्यालय चर्चाओं में रहना शायद अपनी आदतों में शुमार कर चुका है। अभी पूर्व में MST घोटाले की जांच पूरी भी नहीं हो सकी कि बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज कार्यालय में आग लग गई और सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। अब जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे कि आखिर क्या कारण रहा आग लगने का। रायबरेली SK सोनी, पंजाब केसरी।